धरना प्रदर्शन है जिसमें कक्षाओं का पूर्ण बहिष्कार जो है डीएलएड के छात्रों द्वारा किया गया है वो आज पाँचवें दिन के अंदर प्रवेश कर गया है। और पाँचवें दिन जो लगातार जो है छात्र कक्षाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं, कक्षाओं का बहिष्कार जो है करके वो यहाँ पर सिर चाड़ने के अंदर जो है निरंतर धरने के अंदर बैठे हैं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा बोर्ड के द्वारा जेपी पैट के अंदर जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है मान्यता दी गई है और उनको पात्र माना गया है, उसका जो हम विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये सारा का सारा मामला जो था कोर्ट के अधीन था, उसके बावजूद शिक्षा विभाग ने यहाँ पर और हमारे एजुकेशन बोर्ड ने एक दोहरा रवैया अपनाया है। एक तरफा तो वो हमसे बीएड का कोर्स करवा रहे हैं प्रदेश के 12 डाइट्स के अंदर और 27 के आसपास जो हमारे निजी शिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर ये बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है और वहाँ से हर वर्ष जो 5000 के आसपास जो छात्र हैं इस कोर्स को कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस कोर्स को करवाने के साथ साथ जो है एक ऐसा कानून नोटिफिकेशन लेकर हमारे बीच आया जिसके अंदर वो बीएड वालों को इसमें पात्र मान रहे हैं, तो वो सीधा सीधा जो है जेबीटी के साथ जो धोखा कर रहे हैं, तो इस धोखे को जो है यूनियन सहन नहीं करेगी, ना ही प्रशिक्षु जो साथी हैं हमारे उसको सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जो है आम जनता को भी हम लामबंद करने की कोशिश करेंगे और अपने आंदोलन की जो आगामी जो रणनीति है तब उसको तब तक जारी रखा जाएगा जब तक जो है शिक्षा विभाग और बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले लिया जाता और पूर्ण रूप से इसके अंदर जो सिर्फ जेबीटी के कमीशन के अंदर जेबीटी को ही पात्र माना जाना चाहिए, जेबीटी टेट के अंदर भी जेबीटी की मान्यता रहनी चाहिए और किसी प्रकार से भी जो किसी अन्य डिग्री को इसके अंदर मान्यता नहीं देनी जानी चाहिए। Oh, my God.